बल्कि यहाँ पर भी देख रहे हैं जहर के पाकिटा पड़े हुए हैं, पूड़ियाँ पड़ी हुई हैं, गुटके की पूड़ियाँ पड़ी हुई हैं, और इसके अलावा भी होता है वो उसको पाकिट बोलते हैं, इस तरफ भी तवज्जो देना चाहिए। सारी आवाम की जिम्मेदारी है कि ये हमारे समाज की बुराइयाँ ख़त्म हो जाएँ। सख्त मेहनत करते हैं और घर आते आते 100-200 रुपये पानी में डाल देते हैं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू। अब्दुल अज़ीज़ फाउंडेशन की जानिब से बीदर के कुछ अफराद को उनके रोज़गार को मुस्तहकम करने के लिए या रोज़गार से जोड़ने के लिए कुछ ठेला बंडियाँ दी गई, और साथ ही साथ दीगर सामान जैसा कि स्नैक्स वगैरह बेचने के लिए खुसूसी उनके लिए मशीनें वगैरह दी जा रही हैं, मसाला पीसने की मशीनें दी जा रही हैं, और पंचर बनाने के लिए कुछ कंप्रेसर्स वगैरह रखे गए हैं, यहाँ लाए हैं। और कारोबार से जुड़ने के ख्वाहिशमंद लोग या कारोबार में हैं और उनके लिए कुछ इक्विपमेंट्स की सामान की ज़रूरत है, उनको मुहैया करना चाहते हैं। ये पहला जो है इनिशिएटिव है अब्दुल अज़ीज़ फाउंडेशन की जानिब से, जो मुसलसिल इंशाल्लाह हर साल रमज़ान से पहले और साल भर में भी ये प्रोग्राम होते रहेंगे। ये कंप्रेसर है, ये हमारे साथी हैं जो पंचर की दुकान चलाते हैं, उनको एक कंप्रेसर की ज़रूरत थी, तो आज मौलाना सिराज साहब और मौलाना अब्दुल गनी साहब के दुआ के बाद यहाँ पर उनको उनके हवाले किया जा रहा है, हैंडओवर किया जा रहा है। अल्लाह उनको इसके इस्तेमाल में आसानी फरमाए, इसके ज़रिए उनकी कमाई में बरकत दे और उसके सही इस्तेमाल की भी तौफीक दे। अभी मैं ठेला मंडी वालों से और दीगर लोगों से बात कर रहा था, ये हलाल कमाई सख्त मेहनत की कमाई, अल्लाह सख्त मेहनत करके हलाल कमाई करना तो अल्लाह को बड़ा पसंद है। जफाकशी के साथ मेहनत के साथ कमाई करना बड़ा अच्छा नेक अमल है और इसका इस्तेमाल भी सही होना चाहिए। हम देख रहे हैं बल्कि यहाँ पर भी देख रहे हैं जहर के पाकिटा पड़े हुए हैं, पूड़ियाँ पड़ी हुई हैं, गुटके की पूड़ियाँ पड़ी हुई हैं, और इसके अलावा भी होता है वो उसको पाकिट बोलते हैं, ये इसका कमाई जो होती है उसका गलत इस्तेमाल नहीं होना चाहिए, इस तरफ भी तवज्जो देना चाहिए। सारी आवाम की जिम्मेदारी है कि ये हमारे समाज की बुराइयाँ ख़त्म हो जाएँ। सख्त मेहनत करते हैं और घर आते आते 100-200 रुपये पानी में डाल देते हैं, पानी में डाल देते हैं, और बीवी बच्चों का ख्याल नहीं है, माँ बीमार है लेकिन मेहनत का जो है पैसा ज़ाय होता है, ये भी ख़त्म हो जाए हमारे माशरे से, ये भी कोशिशें करना है। और मुस्तकबिल में मस्जिद में हर मस्जिद में बैतुल माल हो जाए और हर मस्जिद में लोग ऐसे लोगों को आइडेंटिफाई करें और उनको कारोबार से जोड़ें और ये बेकारी ख़त्म हो जाए, इसके लिए पूरे बीदर के लोग, पूरे मसाजिद के लोग, पूरे एनजीओ मिलकर अगर ये काम करेंगे तो इंशाल्लाह ये काम आगे बढ़ेगा और एक बड़ी तबके की ज़रूरतें पूरी होंगी। अब्दुल अज़ीज़ फाउंडेशन का जो मकसद है और अजायम है बहुत ज़्यादा है। ये पहला मामला है, इस मामले में हमने मुख्तसर तौर पर काम किया है। इंशाल्लाह हम अपनी मीटिंग में तय किए हैं कि नेक्स्ट रमज़ान से पहले, रमज़ान से एक महीना पहले ही तैयारी करेंगे और पहले या दूसरे रमज़ान को ही इंशाल्लाह ये डिस्ट्रीब्यूशन का काम करेंगे। और इंशाल्लाह हम उम्मीद करते हैं कि नेक्स्ट ईयर इससे ज़्यादा और इससे बड़ा काम करेंगे इंशाल्लाह। और मैं उम्मीद करता हूँ कि हमारे तमाम भाई इसका भरपूर फ़ायदा उठाएँ और हलाल कमाएँ और ख़ुद भी ज़कात देने के काबिल बने। जी, ये तमाम लोगों के कारोबार के ताल्लुक से बिल्कुल सही फरमाया। अगर मौलाना जो फरमाए हैं उसके हिसाब से अगर आप कारोबार करेंगे तो मुकम्मल आप कामयाब रहेंगे और जो है आपके कारोबार भी जो है सही चलेंगे। इतना बोलते हुए स्मॉल वैसे तिजारत को सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पसंद फरमाया और सच्चा पक्का ताजिर कल मैदान क़ियामत में सिद्दीकीन शुहदा सालहीन के साथ उसका हशर होगा। सच्चा पक्का ताजिर उसकी शर्त है। और ये भी सुन्नत एक अदा कर दिए जनाब अब्दुल क़दीर साहब कि एक सहाबी आकर बोले अल्लाह के नबी मैं परेशान हाल हूँ, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद कुल्हाड़ी में दस्ता लगा कर दिए कि साहब ये दस्ता कुल्हाड़ी में लगा कर दिए, जाओ जंगल को जाओ और जाकर जो है लकड़ियाँ तोड़ कर ला कर बेचो। और मेहनत पर लगा दिए सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और फिर उस कुल्हाड़ी से उन्होंने लकड़ियाँ तोड़ कर लाए। वो उनके जहन में जो था तातुल कि कुछ नहीं करना है, कुछ नहीं कर सकता, तो आप बता दिए मुसलसल आकर बेचते रहे और घर में खुशहाली आ गई। तो इस तरह कारोबार पे लगाना भी एक सुन्नत ज़िंदा हो रही है माशाल्लाह आपके ज़रिए। तो ये एक मामूली सा
ताउन बल्कि हमारे लिए बड़ा ताउन है, लेकिन इसकी क़दर करें हम कि जैसे अभी फरमाया फजूल ख़र्ची में कमा रहे हैं हम और जो है फजूल ख़र्ची में खर्च कर दे रहे हैं पूड़ियाँ खाने में गलत चीज़ों में, ऐसा नहीं होना चाहिए बल्कि हमारी हलाल रोज़ी से हमारे बच्चे, हम जो कर रहे हैं मेहनत हमारे हलाल रोज़ी खाकर बच्चे हमारे अच्छे डॉक्टर इंजीनियर बने आलिम हाफिज़ बने और अपने बच्चों को इसमें नहीं बल्कि अभी एक बच्चे पर नज़र पड़ी तो आप फरमा रहे कि भाई ये बच्चा क्या कर रहा है, मतलब तालीम हासिल करना चाहिए बच्चों को। हमारी हलाल रोज़ी से इंशाल्लाह हमारे बच्चे बहुत जल्द तरक्की करेंगे। वालेकुम रहमतुल्लाहि ताला बरकातु। ज़कात का जो कॉन्सेप्ट है इस्लाम में वो बहुत अहम है और वो ये है कि एक गरीब को मालदार बना देना है, एक गरीब को मालदार बना देना है। मैं अब्दुल अजीज़ फाउंडेशन के ज़िम्मेदारों को बिलखसूस डॉक्टर अब्दुल खदीर साहब, अब्दुल मन्नान सेठ साहब, मैं इन तमाम का मशकूर हूँ कि एक चीनी कहावत मैंने सुना था कि लोगों को मछली मत दो बल्कि मछली पकड़ना सिखा दो। ये लोग आज जो है मछली पकड़ना सिखा रहे हैं, आपको मालिक बना दे रहे हैं। और ज़कात का जो है शरई हुक्म ये है कि किसी को तमलीक कर देना, मालिक बना देना, और आप आज मालिक बन गए। अब तक जो है आप कहीं पर काम कर रहे थे लेकिन आज इस फाउंडेशन की बरकत से आप लोग मालिक बन गए हैं। लेकिन मैं आप लोगों से गुजारिश करूंगा कि इस्लाम के दौर में भी ऐसा हुआ है कि गरीब थे, बैतुल माल से पैसा दिया गया, वो लोग मालिक बने, मालिक ऐसे बने कि ख़ुद वो लोग ज़कात देने के काबिल बने। अल्लाह करे कि आप भी ज़कात देने के काबिल बन जाए। और साथ ही साथ हमारा एक मशवरा भी है, मशवरा ये है कि आपको जो चीज़ दी जा रही है वो चीज़ आपकी मिल्कियत है, आप जो करें करें, लेकिन देने वालों का एक मकसद ये है कि आप इसके ज़रिए आपके अहलोयाल की कफालत कर सकें, आप अच्छी तरह से उनकी कफालत कीजिए। कफालत का मसला ये है कि सिर्फ खिलाना पिलाना ही रिस्क नहीं है बल्कि उनको अच्छी तालीम अच्छी तरबियत देना भी रिस्क का हिस्सा है। तो आप उनको अच्छी तालीम दीजिए, अच्छी तरबियत दीजिए, साथ साथ जो ये चीज़ दी जा रही है आप ये कोशिश करें कि एक टारगेट बनाइए कि 10 साल के अंदर हम इंशाल्लाह देने के काबिल बनेंगे। आप अगर ये इरादा करेंगे तो अल्लाह अज़्म के साथ मामला करने वाला है। आपका इरादा अगर अच्छा हो इंशाल्लाह आपका अज़्म जैसा होगा अल्लाह वैसा मामला फरमाएगा। आपसे गुजारिश है कि साथ में साथ जब आप कारोबार कर रहे हैं तो सबसे पहले हिंदुस्तान में जो लोग आए थे ख्वाजा अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह से पहले आने वाले ताजिर थे, लोग ताजिर थे जो दरियाओं के रास्ते से समंदर के रास्ते से हिंदुस्तान में तशरीफ़ लाए और हिंदुस्तान में आकर सिर्फ अपना माल नहीं बेचे बल्कि अपने अखलाक को भी बेचे। और जैसा जैसा इनका माल बिकता गया, अखलाक जाते गए, लोग ईमान लाते गए। मैं आपसे गुजारिश करूँगा, आप लोग पहुँचने वाले हैं, आप सिर्फ अपना माल मत बेचिए, सहाबा इकराम की सुन्नतों को आप ज़िंदा रखिए, अल्लाह के रसूल के फरमाए हुए तरीक़े से आप तिजारत भी कीजिए, इंशाल्लाह आपकी तिजारत भी होती रहेगी और इस्लाम की तशहीर भी होती रहेगी। मैं इन चंद गुजारिशात के साथ अब्दुल अजीज़ फाउंडेशन को जिस बुनियाद के तहत इसको रखा गया है मैं दुआ करूँगा और आप भी दुआ कीजिए कि अल्लाह तबारक व तआला अब्दुल अजीज़ साहब की रूह को इसका सवाब पहुँचाए और इनके दर्जात को बुलंद फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आप